नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल के बाद अब भूटान भारत के खिलाफ रंग बदलना शुरू कर दिया है। दरअसल भूटान अपने देश से भारत आने वाले पानी को रोक दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भारत के पड़ोसी देशों ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। चीन और नेपाल के बाद अब भूटान ने भी भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भूटान ने हाल ही में असम में आने वाले पानी को रोक दिया है। इससे राज्य के बक्सा जिले में किसान परेशान है। हालांकि भूटान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। भूटान ने असम को जाने वाले जल प्रवाह को रोकने संबंधी कई रिपोर्ट्स को खंडन करते हुए कहा कि वह नहर की मरम्मत करवा रहा है ताकि जल प्रवाह सुचारू रूप से जारी रहे। भूटान सरकार ने कहा कि नहर में प्राकृतिक कारणों से जल प्रवाह बाधित हो गया था, ऐसे में पानी के बहाव के लिए वे और प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हर साल इस सीजन में भारत के किसान भारत भूटान सीमा पर समुद्रुप जोंखार इलाके में जाते हैं और काला नदी के पानी को अपने खेतों में लाकर सिंचाई करते हैं। इस साल कोरोना वायरस के चलते भूटान ने भारतीय किसानों को एंट्री देने से इनकार कर दिया है। किसान भूटान की इस हरकत से बेहद परेशान हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इससे पहले भूटान ने भारत से आने वाले पर्यटकों से हर दिन 1000 रुपए से ज्यादा शुल्क वसूलने का फैसला किया था। गौरतलब है कि इससे पहले नेपाल ने बिहार में अपनी भूमि का दावा किया था और भारत नेपाल सीमा पर नदी तटबंधों के भारतीय मरम्मत कार्य को रोकने के लिए बाधाओं को खड़ा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।